नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पीएम किसान ईकेवाईसी के बारे में। ईकेवाईसी को फिलहाल पीएम किसान के पोर्टल से हटा दिया गया है। इस ऑप्शन को, ईकेवाईसी अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, बंद है, और उस ऑप्शन को भी हटा दिया गया है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले करूँगा थोड़ा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि पीएम किसान का हर तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यहाँ पे आप नीचे आएंगे ईकेवाईसी के लिए, जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे ईकेवाईसी वाले पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईकेवाईसी करने का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हट चुका है, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कमिंग सून, कमिंग सून का मतलब कि जल्द आ रहा है ईकेवाईसी करने के लिए ऑप्शन, यहाँ पे आपको जल्द ही मिल जाएगा, कमिंग सून में है, ठीक है, यानी कि जल्द आ रहा है। तो फिलहाल अभी आप ईकेवाईसी करने के लिए अगर जब खुद से देखेंगे तो आपको ईकेवाईसी करने के लिए अभी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि कल परसों तक ये यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाए। ये ऑप्शन फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि ईकेवाईसी ओटीपी डालने के बाद भी इनवैलिड बता रहा था। ईकेवाईसी लोगों को सही तरीका से सक्सेसफुल तरीका से नहीं हो रहा था, उसमें कुछ कमी थी, टेक्निकल इशू थी, ठीक है, उसी को ठीक करने के लिए फिलहाल यहाँ से ऑप्शन हटा दिया गया है। जैसे वहाँ पर अच्छा से वर्क करने लगेगा, ठीक हो जाएगा, तब यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईकेवाईसी करने के लिए ऑप्शन तो था लेकिन ईकेवाईसी हो ही नहीं रहा था, ओटीपी सब कुछ डालने के बाद भी इनवैलिड बता रहा था, ठीक है। तो ईकेवाईसी नहीं हो रहा था जिसी को लेकर के यहाँ पे हटा दिया गया है और इसे यहाँ पे जल्द ही आने वाला है। यहाँ पे कमिंग सून में बता रहा है जल्द आ रहा है, यहाँ पे ठीक करके जल्द ही यहाँ पे ईकेवाईसी करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ईकेवाईसी शुरू हो जाएगा उसका वीडियो हम आपको बना के डाल देंगे, कैसे ईकेवाईसी करना है पूरा कम्प्लीट प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको अगर मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपका दिन।